नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोजपा के कई सांसदों ने दिखाया बगावती तेवर। दरभंगा बना बिहार का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर फैंस ने किया याद। अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल। अब चले पड़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लोजपा के 5 सांसदों ने दिखाया बगावती तेवर। रामविलास पासवान की मेहनत ही थी जिसने लोजपा को राज्य से लेकर केंद्र तक पहचान दिलवाई थी, लेकिन अब लोजपा के अंदर ही गहमागहमी की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद लगातार लोजपा को एक के बाद एक झटका लग रहा है। इसी क्रम में लोजपा के 6 में से 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस छोटे दल नेतृत्व रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपतिनाथ पारस कर रहे हैं। लोजपा के बागी सांसद आज चुनाव आयोग से मिलेंगे, जिसके तहत जिन बागी सांसदों ने बगावत दिखाई है उसमें पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, बीना सिंह, चंदन कुमार और महबूब अली कैसर का नाम शामिल है। जानकारों की माने तो इनके जदयू में शामिल होने की चर्चा लगातार हो रही है, जिसके बाद लोकसभा में चिराग अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर फैंस ने किया याद। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि आज है। पिछले साल आज ही के दिन लगभग दोपहर 12 बजे उनके गुजर जाने की खबर आई थी, उसके बाद पूरा देश सहम सा गया था। वहीं आज ठीक 1 साल बाद उनके प्रशंसक उन्हें आज भी उसी तरीके से याद कर रहे हैं जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को पहले किया करते थे। रात से ही सुशांत सिंह राजपूत ट्विटर पर एक नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पटना में सुशांत सिंह के चाहने वाले उनकी पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रहे हैं। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले भी आज तक इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं, लेकिन अभी भी परिवार को उम्मीद है कि उनके बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि अब तक सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों अपनी जान ली इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं आज उनकी पुण्यतिथि पर फिल्म इंडस्ट्री के भी कई लोगों ने उन्हें याद किया। बिहार में 8 डिग्री तक गिरा तापमान। चिलचिलाती गर्मी के बीच मानसून ने बिहार में दस्तक दे दिया है, जिससे बिहार वासियों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। लगातार कई जिलों में बारिश की खबरें भी सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटे और बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सतह से लेकर वायुमंडल में 8 किलोमीटर तक नमी युक्त पुरवैया हवा चल रही है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव के कारण केंद्र और चक्रवाती सिस्टम के सक्रिय रहने से मानसून तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि पूरे प्रदेश में मानसून के प्रवेश के साथ ही झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि बारिश की वजह से दिन के तापमान में सामान्य से 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक कमी दर्ज की गई है। वैक्सीन की अफवाह फैलाने वालों को विजय कुमार सिन्हा ने बताया देशद्रोही। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिन सभी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने ऐसे लोगों को देशद्रोही करार दिया है जो वैक्सीन नहीं लेने के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, लोगों को इस महामारी से मिलजुल कर लड़ना होगा, तभी हम इस वैश्विक महामारी को हरा कर अपने राष्ट्र को बचाने में सफल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान दवा और अन्य प्रकार के सामग्री में लूट सोट करने वाले लोगों को चिन्हित कर डीएम को सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। बीपीएससी में आरक्षित ट्रेनी के 152 छात्र बिना रिजर्वेशन कोटे से हुए पास। रिजर्वेशन का मुद्दा बिहार की राजनीति में हमेशा देखने को मिला है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में बीपीएससी की तरफ से जारी किए गए परीक्षा परिणाम में इस बार आरक्षित श्रेणी के 152 छात्रों ने अनारक्षित श्रेणी में परीक्षा पास की है, जिसके बाद राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस मौके को नहीं छोड़ते हुए राजद पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 15 साल के एनडीए शासनकाल में एससी एसटी बीसी और ओबीसी के सामाजिक शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं उसी का नतीजा है कि ऐसे छात्र में बैकवर्ड कैटेगरी के 130 ईबीसी और 18 एससी के 3 और एसटी के 1 छात्र सामान्य श्रेणी में उत्तीर्ण होने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों को सीख देने वाले राजद को अगर आरक्षण के क ख ग का भी ज्ञान होता तो अपने शासनकाल के 23 वर्षों बाद हुए पंचायत चुनाव में न तो एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण से वंचित करते और न ही बीपीएससी के हालिया परीक्षा परिणाम पर बेतुका सवाल उठाते। अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल। ट्रैफिक रूल्स तोड़ना वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग और ज्यादा सख्ती दिखा रहा है। नियमों की अनदेखी कर गाड़ी चलाने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई बिहार में शुरू कर दी गई है, जिसके तहत ही 3 महीने में अब तक 215 चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की जा चुकी है। पहले गाड़ियों की जाँच में केवल कागजात की पड़ताल होती रही है, इसमें हेलमेट सहित गाड़ियों से संबंधित सभी कागजात होते हैं, लेकिन अब परिवहन विभाग ने जाँच के दौरान
यह भी देखना शुरू कर दिया है कि चालक सुरक्षा नियमों का पालन कर रही है या नहीं। इतना ही नहीं, रूटीन जांच के अलावा दुर्घटना होने पर चालकों के लाइसेंस का निलंबन की कार्रवाई भी की जाती है। इसीलिए विभाग ने सभी आम लोगों से अपील की है कि वो समय समय पर अपने DL को चेक करते रहे, साथ ही सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान नियमों का पालन जरूर करें। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अमरदीप झा की। अमरदीप झा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में आज के दिन साल 1960 को हुआ था। अमरदीप झा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और एक टेलीविजन हस्ती है। झा ने अपने विवाहित जीवन में बहुत पहले ही अपने पति को खो दिया था और अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल की थी। झा ने 1997 में धारावाहिक अमानत से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अमित की माँ की भूमिका निभाई। उनकी फिल्म की शुरुआत साल 1998 में हुई थी, जहाँ उन्होंने दुश्मन में जया के रूप में अभिनय किया था। बिहार वासियों का रेल सफर अब होगा और भी आसान। बिहार के लोगों के लिए रेल का सफर अब और भी आसान होने वाला है। पूर्व मध्य रेल की तरफ से यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग शहरों से कई ट्रेनों के परिचालन को विस्तार दे दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यात्री आसानी से ट्रेन में सफर कर पाएंगे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली मालदा टाउन नई दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन विस्तार कर दिया गया है। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 04412 और 04411 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस का भी विस्तार किया गया। इसके साथ ही बिहार के स्टेशन से होते हुए कामाख्या जाने वाली 2 ट्रेनों की फिर से बहाली कर दी गई, जिसके तहत कामाख्या से गया के बीच चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन 21 जून से अगले आदेश तक चलाई जाएगी। वापसी में यह ट्रेन 22 जून से अगले आदेश तक चलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्री अब ट्रेनों की विस्तृत समय सारणी जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट और NTES ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पटना के वैशाली तक बनेगा 4 लेन हाईवे। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के बाद पटना से वैशाली तक अब 4 लेन हाईवे का निर्माण शुरू होने वाला है। भारतमाला परियोजना के तहत गंगा और गंडक नदी में बनने वाले इस हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण में 300 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान जताया है, जिसके बाद अब 45 किलोमीटर की यात्रा 30 मिनट में पूरी करने का सौभाग्य बिहारवासियों को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अब जल्द ही सारण और वैशाली में भू अर्जन अधिकारी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत करते देखे जाएंगे। अगर वैशाली की बात करें तो यहां लालगंज अंचल के जलालपुर गोपी मिल्की केशवपुर खान जहानचक और ताजपुर में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2020 के नतीजे की हुई घोषणा। बिहार बोर्ड ने डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत डीएलएड परीक्षा 2020 के परीक्षा फल से संबंधित सामूहिक अंक पत्रक, व्यक्तिगत अंक पत्रक और औपबंधिक प्रमाण पत्र संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसके बाद सभी महाविद्यालयों के प्रचारक खुद या फिर प्राधिकारित प्रतिनिधि के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अपने अभ्यर्थियों के अंक पत्र प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। दरभंगा बना बिहार का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट ने अब तक अपने नाम कई सारे कीर्तिमान रच लिए हैं, वहीं अब एक और कीर्तिमान दरभंगा ने अपने नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया है, जिसके तहत दरभंगा बिहार का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। यही कारण है कि स्पाइसजेट के बाद दूसरे विमानन कंपनी इंडिगो ने दरभंगा से केवल हैदराबाद और कोलकाता के लिए अपनी सीधी उड़ान आरंभ करने की घोषणा की थी, लेकिन अपने प्रबंधन कौशल से न केवल चेन्नई के साथ साथ रायपुर भुवनेश्वर आदि शहरों को जोड़ा लिया है, बल्कि अब दुबई तक के लिए यात्रा को सुगम करने का फैसला लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 8 जुलाई को पहली यात्रा दुबई के लिए संभव होने जा रही है। कंपनी की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दरभंगा जैसे छोटे शहर से इसकी शुरुआत को एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। राजधानी पटना के अन्य रूटों के लिए आज इलेक्ट्रिक बसों का होगा ट्रायल। बिहार में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो गया है। हालांकि अब इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार पूरे पटना में करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही बांकीपुर एम्स, बांकीपुर पटना साहिब और बांकीपुर बिहटा रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए आज से ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है और अगले 3 दिनों में बारी बारी से इन तीनों रूट पर ट्रायल किए जाएंगे। इस दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि रास्ते में ऊंचा स्पीड ब्रेकर जैसी कोई अवरोधक तो मौजूद नहीं है या सड़क पर ऐसे गड्ढे तो नहीं है जिससे गुजरने पर गाड़ियों को अधिक बंद करने की नौबत आ जाए। जिसके बाद अगर ट्रायल सफल रहा तो शुरुआत में पटना साहिब और बिहटा तीनों रूट में से 2-2 बसों का परिचालन किया जाएगा। एम्स रूट पर BSRTC की बस सेवा शुरू होने से वहां इलाज करवाने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। साथ ही AC होने और ध्वनि रहित होने की वजह से और प्रदूषण रहित होने की वजह से इसमें यात्रियों को बहुत आराम भी मिलेगा। चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से हटाया गया। चिराग की पार्टी में अंधेरा छाता नजर आ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 बागी सांसदों ने मिलकर चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से हटाने का काम किया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनके चाचा पशुपति पारस पासवान को नया नेता चुन लिया गया है। बाकी सांसदों ने चिराग को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद आज लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर सब कुछ साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पशुपति पारस के इस फैसले के बाद अगले कदम को लेकर अटकलों के बाजार गर्म हो गए हैं। खबरों की माने तो चिराग पासवान से नाराज इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने अपने गुट को अलग मान्यता देने की मांग की है।
श्रीलंका दौरे पर इस खिलाड़ी के चयन से हैरान दिखे आकाश चोपड़ा। शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम श्रीलंका दौरे के लिए तैयार हो रही है, जिसके तहत अगले महीने वनडे सीरीज और टी20 सीरीज की शुरुआत होने वाली है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा हो चुकी है, जो युवाओं से भरी हुई है। लेकिन टीम सिलेक्शन को लेकर आकाश चोपड़ा ने बड़ा सवाल उठाया, जिसके तहत आकाश चोपड़ा ने 32 साल के कृष्णप्पा गौतम को टीम में चुने जाने पर हैरानी जताई। इस बाबत आकाश चोपड़ा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जिस खिलाड़ी को आईपीएल 2021 में एक भी मैच नहीं खिलाया गया, उसे टीम में जगह दे दी गई है। और राहुल तेवतिया, जिसने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया, उसे टीम में जगह नहीं दी गई। यह काफी हैरान करने वाली बात है। गौतम को आईपीएल 2021 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उन्हें एक भी मैच प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करते देखे गए। इसके बावजूद श्रीलंका दौरे पर टीम में जगह मिलना काफी चौंकाने वाला है। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या में आई कमी। लगातार 7वें दिन कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 70,421 नए कोविड पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 3,921 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं 1,19,501 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 53,001 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले 30 मार्च 2021 को 53,480 केस दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 32वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 13 जून तक देश भर में 25,48,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 14,99,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 38 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 14.92 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लोजपा पार्टी में आई दरार का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।